नमस्कार विद्यार्थियों, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी पेपर 2 बीए सेकेंड ईयर के सभी विद्यार्थियों का मनोविज्ञान की क्लास में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम यूनिट 4 स्टार्ट कर रहे हैं। इसका पहला टॉपिक मेमोरी, इसका हम इंट्रोडक्शन या स्मृति का परिचय आज अध्ययन कर रहे हैं। विद्यार्थियों, स्मृति आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं, तो आज हम इसका इंट्रोडक्शन वापस से रिवाइज कर रहे हैं कि स्मृति या मेमोरी हम किसे कहते हैं। स्मृति एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति धारण की गई विषय सामग्री का पुनः स्मरण कर चेतना में लाकर पहचानने का प्रयास करता है। तो विद्यार्थियों, मेमोरी एक मेंटल प्रोसेस है जिसमें हम जो भी चीज़ें हमने सीखी हैं या याद की है उसको धारण करके यानी कि स्टोर करके अपने मस्तिष्क में रखते हैं, एवं जब आवश्यकता पड़ती है तो उसका पुनः स्मरण करके हम उसे कॉन्शियस में या चेतना में लाकर पहचानने का प्रयास करते हैं। तो लर्न की गई सामग्री या विषय वस्तु को धारण करना तथा आवश्यकता पड़ने पर उसका पुनः स्मरण करना ही मेमोरी कहलाता है। किसी भी विषय सामग्री के धारण के लिए आवश्यक है कि उस विषय सामग्री का सर्वप्रथम अधिगम किया जाए। तो जो भी आप विषय सामग्री या इन्फॉर्मेशन लर्न करना चाह रहे हैं, स्टोर करना चाह रहे हैं, उसके लिए आवश्यक है कि पहले आप उसका अधिगम करें। अधिगम का मतलब हुआ सीखना। तो पहले आप उसे सीखेंगे, उसके बाद ही आप उसे अपने मस्तिष्क में धारण या स्टोर कर पाएंगे। बिना अधिगम के धारण संभव नहीं है और धारण के बिना पुनः स्मरण और पहचान भी संभव नहीं है। तो जब तक आप अधिगम नहीं करेंगे, जब तक आप किसी चीज़ को याद नहीं करेंगे, सीखेंगे नहीं, तब तक आप उसका पुनः स्मरण नहीं कर सकते। तो मेमोरी के लिए यह आवश्यक है कि आप पहले किसी विषय वस्तु का अधिगम करें, उसको धारण करें, और जब आवश्यकता पड़ती है तो उसे चेतना में लाकर पुनः स्मरण करना ही स्मृति या मेमोरी कहलाता है। स्मृति को कई मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषित या डिफाइन किया है। उनमें से हिलगार्ड एवं एटकिंसन के अनुसार वर्तमान समय में उन प्रतिक्रियाओं को प्रदर्शित करना जिनको हमने पहले कभी सीखा था स्मृति है। जिन प्रतिक्रियाओं को, इन्फॉर्मेशंस को या विषय सामग्री को आपने पहले सीखा है उसे वर्तमान समय में पुनः स्मरण करना ही स्मृति है। यह हिलगार्ड और एटकिंसन ने इसे मेमोरी को इस प्रकार परिभाषित किया। वुडवर्थ के अनुसार एक बार सीखी गई क्रिया का पुनः स्मरण ही स्मृति है। जो चीज़ आपने एक बार सीख ली है उसका पुनः स्मरण करना ही, उसका रिट्राइवल करना ही मेमोरी है। अतः स्मृति व्यक्ति का वह संज्ञानात्मक तंत्र है जिसके सहारे सूचनाओं को संचित किया जाता है तथा उनकी पुनः प्राप्ति की जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्मृति एक संज्ञानात्मक तंत्र है, एक कॉग्निटिव सिस्टम है। और संज्ञानात्मक तंत्र क्या होता है? संज्ञानात्मक तंत्र का तात्पर्य हुआ कि जो भी क्रियाएं आपके मस्तिष्क में घटित होती हैं, जैसे थिंकिंग, मेमोरी, इमेजिनेशन, ये सब चीज़ें क्या है? संज्ञानात्मक तंत्र के तहत आती हैं। तो मेमोरी भी एक संज्ञानात्मक तंत्र है जिसके सहारे हम सूचनाओं को संचित करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, तथा उसकी पुनः प्राप्ति या रिट्रीवल की जाती है। स्मृति के तीन प्रमुख प्रक्रियाएं या तत्व है जिनके माध्यम से व्यक्ति सूचनाओं को संचित करता है। तो स्मृति में तीन तत्व होते हैं जिनके माध्यम से हम सूचनाओं को स्टोर करते हैं या संचित करते हैं, तथा इन सूचनाओं का हम पुनः स्मरण करते हैं।
तो वे जो तीन तत्व हैं, जो कि स्मृति के तीन प्रमुख तत्व हैं, वह निम्न प्रकार हैं। पहला है कूट संकेतन या एनकोडिंग, दूसरा है संचयन या स्टोरेज, और तीसरा है पुनः प्राप्ति या रिट्रीवल। तो विद्यार्थियों, कूट संकेतन या एनकोडिंग वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम किसी सूचना या बाह्य उत्तेजना का प्रत्यक्षण करके उसे एक निश्चित रूप या संकेत के रूप में तंत्रिका तंत्र में ग्रहण करते हैं। इसे हम सीधे शब्दों में इस प्रकार समझा सकते हैं कि एनकोडिंग का तात्पर्य हुआ कि जो भी सूचनाएं आपको प्राप्त हो रही है उसको अपने मस्तिष्क में एक संकेत के रूप में संचित करना ही एनकोडिंग है। जैसे जो चीज़ मैं अभी आपको समझा रही हूँ उसको आप अपने मस्तिष्क में किन संकेतों के रूप में संचित करते हैं उसे हम एनकोडिंग कहते हैं। संचयन, संचयन वह प्रक्रिया है जिसमें सूचनाएं स्मृति में संग्रहित रहती हैं। तो संचयन के द्वारा या स्टोरेज के द्वारा हमारे मस्तिष्क में सूचनाएं जो है वह इकट्ठी होकर रहती है या संग्रहित होती हैं। पुनः प्राप्ति या रिट्रीवल वह प्रक्रिया है जिसमें आवश्यकता पड़ने पर संग्रहित सूचनाओं का प्रयोग किया जाता है। रिट्रीवल द्वारा या पुनः प्राप्ति द्वारा जब भी हमें याद की गई सामग्री की आवश्यकता होती है तो हम उसे चेतना में लाकर पुनः स्मरण करते हैं। तो पुनः प्राप्ति का तात्पर्य हुआ याद की गई सामग्री या इन्फॉर्मेशन्स को वापस रिट्राइव करना ही रिट्रीवल प्रोसेस है। तो विद्यार्थियों, आज आपने स्मृति किसे कहते हैं इसका इंट्रोडक्शन और इसकी परिभाषाओं का अध्ययन किया। सभी विद्यार्थियों का इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखने एवं सुनने के लिए धन्यवाद।